ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरी, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबवाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। जो इलेक्शन में जो माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जहां प्रशासन ने पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का किया और जहां वोटों की लूट मचाई उत्तर प्रदेश में, और वहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां वोट की चोरी हुई है, लूट हुई है, जहां भ्रष्टाचार हुआ है वोटों को लेके, वहीं कहीं ना कहीं ये सरकार दबाना चाहती थी कि यह जो आवाज हाउस में ना उठे, इसलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया जानबूझकर। संभल की जो गंभीर घटना हुई है उसके संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जाकर के बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद DG से मेरी बात हुई तो DG साहब ने मुझसे कहा कि साहब, उनको पता था कि मैं जा रहा हूं, उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे MP पर जो वहां था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहां रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहां जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आप पूछें, मेरा नाम भी इसमें FIR में दर्ज करा गया है, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने कभी कोई ऐसी हेट स्पीच दी, ना हमारा कोई ऐसा वीडियो है जो पब्लिक में हो। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन मैं उस घटना के स्थल पर मौजूद भी नहीं था, तो मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। अब उन्होंने किस जो उन्होंने लिखवाई है, ये मैंने FIR की कॉपी अभी पढ़ी है जस्ट, तो उसमें ये कहना कि हमारे साथ हैं, तो वो तो प्रदेश में ही मौजूद नहीं थे, संभल की बात छोड़िए, जब वो संभल में ही मौजूद नहीं थे, प्रदेश में मौजूद नहीं थे, तो हम लोग कैसे साथ हुए और कैसे जाना आगे बढ़िए और ये मंसूबे पूरे करिए। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर मैं किसी से कहूँगा तो या तो फ़ोन पे कहूँगा या वहाँ जाकर कहूँगा, दोनों में कहीं भी सिद्ध कर रहे हैं ये बात में कि हम पब्लिक में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं, कोई वीडियो ऐसा हो, कोई रिकॉर्डिंग ऐसा हो, कोई कृत्य मेरा ऐसा हो या उनका ऐसा हो, तो हम दोनों को जो फंसाया जा रहा है वो गलत फंसाया जा रहा है बेवजह में, ताकि
पता नहीं क्या मसला है, हम इसके बारे में नहीं जानते। हमारा तो पैगाम हमेशा जाना अमन अमान कर रहा है और लोगों की खिदमत करने का रहा है, वही हम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। आज के दिन में सुबह से संबलपुर एकदम सामान्य तरफ से चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अपना दुकान खोल रहे हैं, लोग अपना काम पे लगा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस प्रशासन अपना ड्यूटियां सेक्टर स्कीम लगा करके निगरानी कर रहा है हम लोग, ऐसे आज के दिन में सभी सामान्य लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी कर दी गई थी स्कूल कॉलेजों की, वो सब चीज आज के हम लोग आज के दिन देखे, कल से उसको विचार करेंगे, डीएम और एसपी विचार कर देंगे। आज के सामान्य हो गया, ऑलमोस्ट अभी सुबह सुबह 10 बजे सामान्य हो गया और कल के लिए आज हम सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरेस्टिंग को लेकर क्या? अरेस्टिंग तो कल तक जो 25 गिरफ्तार उतनी ही, बाकी सबका हम लोगों ने जो वीडियोग्राफ है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर हम लोगों ने जो चेहरा बंद करके आए उन सबको पहचान करवा रहे, लोग से बुला बुला के आइडेंटिफिक कर रहे, जो भी पत्रवादी है उनके पहचान करेंगे, उसके बाद उनके एविडेंस के आधार पर उनके सबका जो दोषी है उनकी हम लोग गिरफ्तारी के लिए आगे कार्रवाई करेंगे, कानूनी प्रक्रिया करेंगे, बाकी निर्दोष के किसी की कोई परेशानी नहीं करेंगे। कैजुअल्टी विधायक और जो सांसद है, विधायक का बेटा है, उसकी अरेस्टिंग को लेकर कितनी टीमें गठित की? देखिए उसकी हम लोग सभी एविडेंस अलग कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब चीज कार्रवाई करवा रहे हैं हम लोग, कई अरेस्टिंग तो कई टीम ऑलरेडी कर चुका है, सभी लोग आरोप करने लगा, उसका आगे कार्रवाई करेंगे, विधि करेंगे। अभी तो मेरा प्रायोरिटी है शांति व्यवस्था कायम रखना है, अभी शांति व्यवस्था वापस आ रही है, उसके आगे हम आगे विधि कार्रवाई हमारे योजना के एविडेंस के आधार पर आगे कार्रवाई करते रहेंगे।